जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। अध्याचन 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 दोस्तों, यही अध्याचन ऐसा है कि इसी के चक्कर में शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि उनको किसी भी विभाग के द्वारा अभी कोई अध्याचन नहीं मिला है। अध्याचन के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, अर्थात अध्याचन सीधे किसी भी कॉलेज के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं भेजे जा सकते हैं। वह अध्याचन अगर देखा जाए, उच्च शिक्षण संस्थानों की बात किया जाए तो शिक्षा निदेशालय में जाएगा, वहाँ से पदों को वेरीफाई किया जाएगा। पदों को वेरीफाई करने के उपरांत ही वह शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त होगा। बाकी अगर बेसिक शिक्षा विभाग का देखा जाए, माध्यमिक शिक्षा विभाग का देखा जाए, तो यह विभाग खुद कलेक्ट करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजेगा। अध्याचन के लिए पोर्टल भी तैयार है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये सब सूचनाएं उपलब्ध होंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जैसे ही ये सब सूचनाएं उपलब्ध होंगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग को इतना पावर है कि वह तुरंत शिक्षक भर्ती का काम आगे बढ़ा देगी। लेकिन जब तक उसको अध्याचन नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिला जुला करके सिर्फ अध्याचन पे ही शिक्षक भर्ती टिकी हुई है। अध्याचन कब आएगा, कब भेजा जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बाकी आज की जो खबर है अध्याचन के संदर्भ में, तो उसको आप देख लीजिए, उससे कुछ आइडिया आपको लगेगा। चलिए पूरा वीडियो देख लीजिए। कॉलेज शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे नहीं भेजेंगे अध्याचन। प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था सभी भर्ती संस्थाओं पर लागू की गई है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को भी ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजे जाएंगे, लेकिन कॉलेज सीधे आयोग को नहीं बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजेंगे। भर्ती में पारदर्शिता के लिए अध्याचन भेजने की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन कॉलेज प्रबंधन की ओर से ऑफलाइन भेजा जाता था और निदेशालय रिक्त पदों का सत्यापन करने के बाद संबंधित भर्ती संस्था को अध्याचन भेजता था। अध्याचन भेजने की व्यवस्था में अब काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। अब विभाग सीधे भर्ती संस्थाओं को ऑनलाइन अध्याचन भेज रहे हैं और इसी आधार पर भर्तियाँ की जा रही हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया की गति भी तेज हुई है, लेकिन अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अगर कॉलेज सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजेंगे तो इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ऑन बोर्ड हो गया है और वह ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त करने के लिए तैयार। अध्याचन भेजे जाने के नए नियमों के तहत आयोग अब सीधे ऑनलाइन अध्याचन लेकर भर्ती शुरू कर सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि अशासकीय कॉलेजों के प्रबंधन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के जो अध्याचन भेजे जाएंगे उनका सत्यापन कैसे होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना कि बीते दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष और अफसरों के साथ बैठक कर इस बारे में चर्चा की गई। प्रबंधन से अगर सीधे अध्याचन स्वीकार किए जाते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास रिक्त पदों के सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तय हुआ है कि कॉलेज प्रबंधन पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को ऑनलाइन अध्याचन भेजेंगे और पदों का सत्यापन होने के बाद निदेशालय की तरफ से शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के तहत अगर कॉलेज प्रबंधन अध्याचन भेजने में कोई गलती करता है तो सत्यापन में वह पकड़ ली जाएगी और भर्ती शुरू होने के बाद पदों में से संबंधित विवादों से बचा जा सकता है।